नमस्कार दोस्तों, सीसी एपिसोड यानी कि क्लिनिकल केस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ओसीडी केस के बारे में, जो कि मेरा यूट्यूब का पहला केस था और ये लगभग 1.5 साल तक चला था, तो इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री है। तो इसको मैंने कुछ मेन पॉइंट जो कि नोट करके रख रखे हैं, जिससे कि वीडियो भी लंबा ना हो और इसकी डिटेल भी आपको अच्छे से प्रोवाइड कर सके, कौन सी मेडिसिन चली थी, किस तरह से केस को हैंडल करा था और उनकी डाइट और फिजिकल एक्टिविटी में हमने क्या चेंजेस करे थे। दोस्तों ओसीडी वो हेल्थ कंडीशन है जिसमें किसी पर्सन को बार बार कोई थॉट्स यानी कि सोच विचार आते रह रहे हैं, या कोई काम कर रहा हाथ धो रहा है तो बार बार हाथ धोता रहता है, कुंडी लगा रहा है तो बार बार कुंडी चेक करता रहता है, कोई सपना आ रहा है, कोई ड्रीम आ रहा है, कोई सोच है आ रही है उसको तो बार बार रिपीट हो रही है। अगर ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे रिपीटेशन होते रहते हैं तो उसी कंडीशन को हम ओसीडी कहते हैं। और ये केस मेरे को मिला था 5 सितंबर 2018 को और ये डेट मेरे को आज तक याद है, क्योंकि इसी दिन मेरा जन्मदिन होता है और इसी दिन हमारे चैनल की मोनेटाइजेशन भी ऑन हुई थी और उसी दिन हमें ये पहला केस भी मिला था ओसीडी का। तो दोस्तों जो केस था उनका नाम था राशिद खान, जिनका ये केस था उनका नाम था राशिद खान और ये 5 सितंबर जैसे कि मैंने आपको डेट बताई थी और इनका केस था ओसीडी का। तब बात करते केस टेकिंग और इनके केस के अंदर 7 से 8 बार केस टेकिंग हुई है, परंतु इसमें कुछ सिम्टम्स नहीं तो कि मेन कॉमन रहे थे, परंतु कुछ कुछ चेंजेस मेडिसिन के हिसाब से चेंज हो रहे थे कंडीशन के हिसाब से। तो इनका जो मेन सिम्टम स्टार्टिंग में देखा गया तो इनको बार बार चेक करने की आदत है। अगर आप ये कोई दरवाज़ा बंद करते हैं तो बार बार चेक करते हैं कहीं खुला तो नहीं रह गया, फ्रिज बंद कर रहे हैं तो बार बार चेक करें, तो पहला सिम्टम ये कि हर चीज़ को बहुत बार चेक करते थे। दूसरा मिलता था इनको कि हर चीज़ के लिए जैसे कि हाथ धो रहे तो बार बार हाथ धो रहे, कुंडी चेक करें, तो ये इनके अंदर मेन लक्षण था जो कि बार बार रिपीट हो रहा और ये काफ़ी परेशान हो चुके थे। और जब इनकी फैमिली हिस्ट्री ली गई तो इनके पापा को कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु इनकी मम्मी को मिर्गी के अटैक आते थे, तो उनकी फैमिली हिस्ट्री में ये किया आया था। दूसरा ये कि इनको कब से समस्या हो रही, कोई पास्ट में कोई इंसिडेंट या कोई हेल्थ इशू, तो जब तक इन्होंने होश संभाला था यानी कि जब मेच्योर हुए तब तक ऐसा कोई इशू नहीं है, बल्कि बचपन में हुआ होगा तो पता नहीं, परंतु जब से इन्होंने होश संभाला था इनके सामने ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ इनको, यानी कि इनको ये काफ़ी बचपन से ही इनको लगता है कि बचपन से ही ऐसी कंडीशन थी जिसको बार बार इनको चेक करने की आदत पड़ सकी और ये परेशान हो चुके हैं। तो इनका केस हमें मिला था यूट्यूब के जरिए जैसे मैंने बताया। तो ये इनके सिम्टम्स थे और इनके केस टेकिंग करी तो इनको कुछ मेडिसिन्स बताई गई, फिर इनका कुछ चेंजेस आए तो उस हिसाब से इनकी मेडिसिन चेंज हो रही थी धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आ रहे, परंतु इनमें से कुछ मेडिसिन जो कि कॉमन 2 मेडिसिन थी वो कंटिन्यूसली हमने पूरे केस में चलाई और एक मेडिसिन जो कि हर केस टेकिंग के हिसाब से चेंजेस के हिसाब से चेंज हो रही थी। परंतु उन मेडिसिन की तरफ जाने से पहले और क्या इनको हमने डाइट प्लान बताया था, फिजिकल एक्टिविटी, उसकी तरफ जाने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है और जो पिछले लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया था उसका पहले उसका आंसर दे देते कि इस पर्सन ने सही आंसर दिया। जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में काफ़ी पर्सन ने उस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, सिर्फ एक ही पर्सन का आंसर वहाँ पर सही आ रखा है, तो आपने मे बी क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना, वहाँ पर पूछा गया था अंग ना कि उस हड्डी का नाम, तो काफ़ी पर्सन ने फीमर बोन लिखा था, थाई बोन, हमने वहाँ पे हड्डी का नाम पूछा ही नहीं था, हमने पूछा था अंग यानी कि पार्ट ऑर्गन, तो एक ही पर्सन जिन्होंने सीधा लिखा था जांग यानी कि लेग लिखी है, जांग लिखी, तो उस पार्ट की उस अंग की सबसे बड़ी हड्डी रहती है हमारे शरीर में जो कि दिया था विकास कुमार ने, तो सॉरी उन्हीं का क्वेश्चन सही था, बाकी बहुत सारे आंसर आए थे, उन्होंने फीमर लिखा था, थाई बोन लिखा था, पर हमने बोन का नाम पूछा, हमने सिर्फ अंग पूछा, बॉडी का पार्ट पूछा हुआ था, तो आपने क्वेश्चन सुनने में ध्यान में गलती कर दी। तो आज का क्वेश्चन आपसे यह है कि हमारे स्वस्थ मनुष्य यानी कि एक हेल्थी ह्यूमन बींग्स जो रहते हैं उनका नॉर्मल बीपी यानी कि उनका जो नॉर्मल सामान्य रक्तचाप कितना होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले 3 पर्सन का जो सही देंगे उनको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों बात करते हैं पहले मेडिसिन की, कौन कौन सी 2 मेडिसिन जो कि कॉमनली चली। पहली मेडिसिन इनकी चली थी 5-4-6X, इनकी 4-4 टैबलेट डेली 3 टाइम हम इनको कंटिन्यू रखी थी पूरे केस में। दूसरी थी अवीना स्टाइबा क्यू और साथ में ब्रह्मी क्यू, दोनों मेडिसिन को मिक्स करके इनकी 15 बूंद 1 कप पानी में सुबह और शाम 2 टाइम कंटिन्यू मेडिसिन चलती रही थी। जो थर्ड मेडिसिन वो इनकी केस टेकिंग के हिसाब से चूज़ की जा रही थी, जिनमें से इनकी आर्सेनिक चूज़ हुई थी, ब्राइटा कार्बाई थी, एनाकार्डियम आई थी, तो ऐसी कुछ मेडिसिन 7 से 8 मेडिसिन इनकी चेंज हुई थी केस टू केस जो कि सिम्टम्स के बेस के ऊपर थी, परंतु जो कॉमन थी जो आपको बताई। अब बात करते हैं इनकी फिजिकल एक्टिविटी और डाइट में हमने क्या चेंजेस करे थे। देखो फिजिकल एक्टिविटी में हमने इनको डेली वॉक करने के लिए कहा था
और जो इनको अच्छा लगता है साइकिलिंग चलाना, रोप जंपिंग या जो भी इनको अच्छा लगता है वो फिजिकल एक्टिविटी डेली करनी है। साथ में इनको योगा, योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। काफ़ी पर्सन देखा गया कि जो योगा करते हैं फिजिकल एक्टिविटी का नाम आता है तो वो सिर्फ योगा बोलते हैं। देखिए फिजिकल एक्टिविटी और योगा दोनों चीज़ें थोड़ा डिफरेंट रहती हैं। योगा आप एक जगह बैठ के आराम से अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आप वॉक करते हैं आपकी पूरी बॉडी उसमें वर्क करती है, माइंड भी रिलैक्स होता है उसका, आपकी बॉडी मांसपेशियाँ भी रिलैक्स होती है। तो ये दोनों आपको इस कंडीशन में कंटिन्यू साथ में रखनी है। और थर्ड इसकी रही डाइट की, देखिए इसमें डाइट में हमने बताया था कि जब भी किसी पर्सन की समस्या अपनी बॉडी के हिसाब से जो आपको डाइजेस्ट हो सकता है वो लीजिए, परंतु इसमें आपको लिक्विड डाइट यानी कि पानी, जूस हो गए, जो भी फ्रूट्स वगैरह पैकिंग वाले ने खुद बना के निकालिए उन जूसेज को ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, हरी सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, ऑयली स्पाइसिंग फूड्स को आपने अवॉइड करना, और सुबह की जो लाली रहती है सूर्य की उसके आगे आपको सुबह सुबह आधा घंटा मिनिमम ज़रूर बैठिए। उनको हमने ये थोड़ा डाइट प्लान बताया था, फिजिकल एक्टिविटी बिठाई थी उनकी बॉडी के हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है तो उसको उनको फॉलो करिए, जबकि उनको धीरे धीरे उनको इम्प्रूवमेंट है और अराउंड 1.5 साल लग गया उनके बॉडी में काफ़ी चेंजेस है, और उन्होंने फीडबैक भी दिया था और मैंने ये फीडबैक आपके साथ भी काफ़ी टाइम पहले शेयर भी कर रखा और काफ़ी अच्छा जो रिस्पॉन्स था राशिद खान जी का, और आज भी हमारे साथ कॉन्टैक्ट में है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। जो भी इनको लक्षण आते थे पहले अब बिल्कुल नहीं है। इस केस में काफ़ी स्मे लगा था लगभग 1.5 साल, बोलने में थोड़ा लग रहा है परंतु काफ़ी लंबा स्मे रहता है, परंतु इन्होंने पेशेंस रखे और विश्वास बनाए रखा हम पर, खुद पर बिना विश्वास था इनका, तो इन्होंने कंटिन्यू मेडिसिन रखी और OCD केसेस में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। और अभी भी प्रेजेंट में कुछ केस रनिंग में चले, यानी कि अभी भी कुछ केसेस अभी चल रहे हैं OCD के, जो कि अच्छी इंप्रूवमेंट है। देखिए इसमें OCD में मेडिसिंस का 50% रोल है, 50% आपका रहेगा खुद का, जिसमें आपकी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, जितना आपका माइंड रिलैक्स रहेगा अपने माइंड को जितना डाइवर्ट करेंगे OCD केसेस उतनी ही जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है, जो कि इस केसेस में भी देखने को मिली। सो आशा करता हूँ कि आपको हमारे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, अगर पहली बार इस चैनल पर चैनल को करिए सब्सक्राइब, साथ में खुद खरीदेगा बेल का आइकन तो उसको भी करें प्रेस, जिससे कि आप हमारी इस YouTube फैमिली के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।